Hello students, hope you and your family members are safe at home. My name is Anuradha Pradhan, Science Faculty, Great Ocean Public School, Himatpur Block, Ramnagar. So last class we have done so many activities on experiment with water, okay? So we have seen the objects which float and sink. Then again we did the activity to find out some objects which dissolves in water and the object or the things that does not dissolve in वाटर. ठीक है, हमने ये दो एक्टिविटीज किया था तो हमें इसमें आइडिया आ गया कि कौन से ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस जो है वो वाटर में मिक्स होते हैं, डिजॉल्व होते हैं या नहीं. नाउ व्हाट हैपेंस, कभी कभी क्या होता है, सपोज हमने पानी ले लिया और उसको गैस पे चढ़ा दिया. ठीक है, कुछ देर तक उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो धीरे धीरे पानी में उबाल आ जाएगा. ओके, फिर हम क्या देखेंगे कि उसमें से वेपर्स जो है वो भाप बनकर उड़ने लगे. जैसे कि नाउ आई एम हैविंग सम हॉट वाटर, इफ यू आर एबल टू सी, यू कैन सी द वेपर्स आर मूविंग अपवर्ड, द वेपर्स आर गोइंग अप. ठीक है, इसमें से क्या निकल रहा है, वेपर्स निकल रहे हैं. ठीक है, सो ट्राई टू फाइंड आउट. आप ये घर में भी देख सकते हो, जब मम्मी खाना बनाती है और टी जब चाय बनाती है क्या होता है. ओके, सो व्हाट इज एडेड इन द वाटर, हम क्या क्या डालते हैं, दूध डालते हैं, इसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो आपको उसमें मिल जाएगा कि कौन से सब्सटेंस जो है पानी दे गेट मिक्स्ड एंड द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी गेट मिक्स्ड. और चाय पत्ती जो है वो मिक्स नहीं होते, उसको हम आराम से फिल्टर करके निकाल सकते हैं. ठीक है, बट द रिमेनिंग शुगर और मिल्क जो है वो चाय में पानी में घुल जाते हैं और आसानी से हम चाय बना लेते हैं. ठीक है, अगर मम्मी सपोज किसी दिन गैस में उन्होंने गर्म पानी बिठा दिया और भून गए तो कुछ देर बाद क्या होगा, उबाल आएगा, देन वेपर्स विल स्लोली स्टार्ट रिलीजिंग. ठीक है, उनमें से वेपर्स निकलने लगेंगे. फिर अगर हमने उनको ज्यादा टाइम तक फिर छोड़ दिया, क्या होगा, धीरे 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 पानी हमने जो लेवल पानी का लिया था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है, वाटर इवोपरेट्स व्हेन दे गेट्स हीटेड अप. ठीक है, सिर्फ गैस में ही नहीं होता, बाहर, ठीक है, बाहर भी होता है जब पानी गर्म हो जाता है ड्यू टू सनलाइट. सनलाइट से पानी गर्म हो जाता है. ओके, एंड द वाटर स्टार्ट्स इवोपरेटिंग. तो जितने भी पानी है ज्यादातर अगर वो गर्म हो जाते हैं क्या होगा, इट इवोपरेट्स. ठीक है, ड्यूरिंग डेज समर टाइम ज्यादातर क्या होता है, समर टाइम में अगर झील है, पानी है, लेक्स है, अगर कुआं है, तो क्या होता है, धीरे धीरे पानी गर्म होके वो वेपर्स से बदलकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस. कभी कभी हम कुछ चीजें अगर हमें सुखाना हो, ठीक है, वो गीला पड़ गया, सुखाना है, उसको हम क्या करते हैं, फटाफट उसको धूप में रख देते हैं ताकि उसमें जो वाटर है वो इवोपरेट होकर चला जाए. ओके, नाउ ड्राई क्लॉथ्स, मम्मी कपड़े धोती है, धोने के बाद वो क्या करती है, बाहर धूप में सुखा देती है. यस, अगर हम उनको गौर से देखें तो उनमें से वाटर वेपर निकलता हुआ हमें दिखाई देगा. ठीक है, भाप निकलते हुए अगर हम कपड़ों को गौर से देखें, देन यू कैन सी दैट द वाटर इवोपरेट्स, उसमें से वेपर्स भाप जो है वो निकलकर ऊपर एटमोस्फेयर में चले जाते हैं और फिर कुछ देर बाद हमारे कपड़े ऑटोमेटिकली सूख जाते हैं. ओके, सो फ्रॉम द सन द वाटर वेपर्स आर इवोपरेटेड. ठीक है, वाटर वेपर्स आर इवोपरेटेड. इस तरह से हम कपड़े सुखाते हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें सुखा धूप में रखते हैं जो कि हमें चाहिए वो ड्राई हो जाए. ओके, सो यू विल टेल मी अबाउट टू थिंग्स विच वी कीप आउटसाइड टू मेक इट ड्राई. ठीक है, तो दो चीजों के नाम अभी आफ्टर द वीडियो, यू हैव वॉच द वीडियो, यू विल सेंड मी द रिप्लाई ऑफ दिस टू answers. So I hope you understood this. Thank you and have a nice day.